Yo guys, what's up? सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड टाइटल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इंसानी मकड़ी के बारे में। क्या इंसानी मकड़ी, तुम्हें सिर्फ यही एक नाम सूझा? आई मीन स्पाइडरमैन गेम्स के बारे में। तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह स्पाइडरमैन के फैन है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वरना कुछ नहीं यार, बस वीडियो देखो और मजे करो। तो अब अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। शिट मैन। सो हमारी लिस्ट के नंबर 10th पे जो गेम आता है वो है स्पाइडरमैन 2001। तो फ्रेंड्स, ये एक ऑफलाइन गेम है और इसका साइज है जस्ट 29 MB। और इस गेम में आप स्पाइडरमैन के रूप में खेलते हो। बेसिकली स्पाइडरमैन नाम है गेम का, तो स्पाइडरमैन के ही रूप में खेलोगे ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो ये गेम 2001 में पीसी के लिए लॉन्च हुआ था, बट आप इसे N64 एमुलेटर की हेल्प से अपने टट्टी जैसे फोन में भी चला सकते हैं। अबे साले, ये गेम 1 GB रैम में भी बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगा। एंड इस गेम में आपको डिफरेंट टाइप के बॉस बैटल्स एंड एनिमी फाइट्स तो मिलेगी ही, साथ में गेम की स्टोरी भी काफी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको काली बिल्ली यानी कि ब्लैक कैट भी देखने को मिल जाएगी। एंड अब बढ़ते हैं लिस्ट के नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है स्पाइडरमैन टोटल मेहम। सो इस गेम का साइज है अराउंड 350 MB और ये भी एक ऑफलाइन गेम है। और बेसिकली ये गेम गेमलॉफ्ट कंपनी का था जो प्ले स्टोर से किसी कारणवश हटा दिया गया, बट एज यू नो हम लोग तो जुगाड़ू है जो किसी भी गेम को अपने फोन पर चलाने की ताकत रखते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो आप जाना किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, डाउनलोड करना और चलाना मजे से इस गेम को यार। अच्छा, तो अब हमारे लिस्ट का अगला गेम है स्पाइडरमैन वेब ऑफ शैडोज। एंड ये यहाँ एक 2.5D स्टाइल का स्पाइडरमैन गेम होने वाला है, जिसमें आपको स्पाइडी के ही स्पेशल पावर्स एंड एबिलिटीज देखने को मिल जाती है। लेकिन अब कई बंदे कमेंट सेक्शन में भी कहेंगे कि भाई ये तो PSP का गेम है, एंड्रॉइड का नहीं। चीटिंग 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 करता है तू। तो भाई मेरे, रुको जरा, सबर करो। ये गेम आप PPSSPP एमुलेटर की हेल्प से अपने फोन में भी आराम से खेल सकते हैं। तो हुआ नहीं ये एक एंड्रॉइड गेम, बहुत तेज हो रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट गेम, जो कि है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। तो अब अगर आपने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो ये गेम भी उसी मूवी पे बेस्ड होने वाला है। एंड इस गेम में आपको ओपन एनवायरनमेंट तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको डिफरेंट टाइप्स के स्पाइडी स्किल्स भी मिलेंगे, जैसे कि वेब स्विंगिंग, वॉल रन और भी बहुत सारी पता नहीं कितनी ही चीजें हैं, जो कि वैसे भी आपको गेम खेल के ही पता चल ही जाएगा। तो इस गेम को भी आप डेफिनेटली ट्राई करना। तो बढ़ते हैं लिस्ट के नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है द अल्टीमेट स्पाइडरमैन। तो बेसिकली ये गेम 2005 में पीसी के लिए लॉन्च हुआ था, बट आप इसे डॉल्फिन एमुलेटर की मदद से अपने फोन में भी खेल सकते हो। नाउ ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जिसमें स्टोरी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर के रूप में, जहाँ की आपको स्टार्टिंग में ही वेनम से भिड़ना होता है। एंड यह गेम की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंगली कॉमिक स्टाइल में रिप्रेजेंट की गई है, और इसमें आपको गुंडों से लड़के अपनी दिलरुबा यानी मैरी जेन को भी बचाना होगा। सो ओवरऑल ये गेम काफी मस्त होने वाला है, जिसे आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो। तो अब अगला स्पाइडरमैन गेम जो निकल कर आता है वो है स्पाइडरमैन। हाँ, बस स्पाइडरमैन ही नाम है इसका, कोई आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ। बट हाँ, अगर आप भी टोबी मैग्वायर को वापस स्पाइडरमैन के रूप में देखना चाहते हो तो इस गेम को जरूर से ट्राई करना, क्योंकि ये गेम जो फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी आई थी ना मार्केट में, उसी पर बेस्ड है। लेकिन ध्यान रहे, इस गेम को चलाने के लिए आपके पास एक ढंग का सा स्मार्टफोन होना ही चाहिए, वरना ये गेम आपके फोन की कह के ले लेगा। वैसे कमेंट्स करके बताना कि आपको टोबी मैग्वायर ज्यादा पसंद है या टॉम हॉलैंड। मुझे तो मैरी जेन ही पसंद है। I'm gonna put some dirt in your eye. अब हमारी लिस्ट में यहाँ अगला गेम हमें देखने को मिलता है, स्पाइडरमैन फ्रेंड्स और फो। सो इस गेम में भी आपको स्पाइडरमैन का ही कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप विलन्स के छक्के छुड़ा सकते हैं। एंड ये गेम आपको ड्रोन व्यू / बर्ड व्यू में भी देखने को मिलेगा, लेकिन गेम में हाई क्वालिटी कट सीन्स है, प्लस इसमें आपको स्टोरी मोड के साथ को-ऑप मोड भी देखने को मिल जाएगा। एंड लिस्ट में और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, वो जो लाल वाला बटन है ना, उस पर जाल फेंक के मारो या मैरी जेन, मुझे नहीं पता, बस तब जाना चाहिए वो नहीं। एंड सेल्फ प्रमोशन को यहीं खत्म करके हम अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के थर्ड नंबर गेम की तरफ, जो कि है स्पाइडरमैन 3। तो ये गेम भी यहाँ स्पाइडरमैन 3 मूवी पे बेस्ड होने वाला है, और इस गेम का साइज है अराउंड 1.4 GB। और इस गेम के ग्राफिक्स तो लिस्ट के बाकी गेमों से बेहतर है ही, साथ ही साथ इसकी स्टोरी लाइन में भी काफी सारे कटसीन्स भी भरे पड़े हैं, जो इस गेम को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बना देते हैं। नाउ ये गेम भी आप PPSSPP एमुलेटर की हेल्प से खेल सकते हो, बट मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस गेम को एक्सटर्नल कंट्रोलर लगा के ही खेले। और अब कदम बढ़ाते हैं लिस्ट के सेकेंड नंबर गेम की तरफ, जो कि है स्पाइडरमैन अनलिमिटेड। तो बेसिकली ये एक एंडलेस रनर टाइप का गेम है, जिसमें आपको स्पाइडरमैन बनकर ही कूदना फांदना पड़ेगा। गेम में काफी तरह के ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स मिलेंगे, जिनसे आपको बचना है, और इसकी स्टोरी लाइन भी डिसेंट है, जो कि कॉमिक स्टाइल में रिप्रेजेंट की गई है। एंड इन सभी गेमों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है यार।
पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। नाउ फाइनली हम पहुंच गए हैं इस लिस्ट के फाइनल गेम की तरफ, बट उससे पहले अ बिग शाउट आउट टू गेम मास्टर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में सबसे फास्ट आंसर दिया था। एंड नाउ बढ़ते हैं आज के गेमिंग क्वेश्चन की तरफ जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। सो इसमें आपको ये बताना है कि ये डायलॉग किस कैरेक्टर ने बोला है। All we had to do was follow the damn train, CJ. And इस बार सही आंसर देने वाले बंदे या बंदी को मिलेगा हमारे कमेंट सेक्शन में पिन होने का मौका। तो जल्दी से आंसर बताइयो और तब तक मैं बढ़ता हूँ लिस्ट के लास्ट गेम की तरफ जो कि है द लेजेंडरी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। अब इस गेम के बारे में मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि ये गेम आपको PS5 वाले गेम स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस गेम के एग्जैक्ट सेम मजे देने वाला है। चल झूठा। एंड अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं बता दूं कि इस गेम में आपको काफी तरह के बड़े मिशंस तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ बहुत सारे साइड मिशंस भी है और इसमें एक बिग साइज ओपन वर्ल्ड मैप भी है, ढेर सारे स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम्स भी है और भी बहुत कुछ है इस गेम में। बट ये गेम प्ले स्टोर से काफी समय पहले रिमूव्ड हो गया था, लेकिन हाँ कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों ने इस गेम को रिमूव होने से पहले परचेस कर रखा। एंड सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बट हाँ अगर आपने हमारी GTA 5 लाइक एंड्रॉइड गेम्स वाली वीडियो मिस कर दी है तो वो तो जरूरी जरूर से चेकआउट कर लेना, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और हाँ ये भी बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। एंड फाइनली आज की वीडियो का लाइक एम होने वाला है 420 लाइक्स। आई नो आप कर ही दोगे यार, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। अब बुद्धि भ्रष्ट नालायक हो, इसका भी कुछ गलत मीनिंग मत निकाल लेना। तो यार अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी स्पाइडरमैन खेलना है। राजू अरे ये कूदना फांदना क्या लगा रखा है, जाले कौन साफ करेगा।